लोग जानते होंगे इस प्रदेश की एक धरोहर रहे रेशमलाल जांगड़े। रेशमलाल जांगड़े जी ये जो सीन आपने देखा ये पुलिस का वो ऑपरेशन था जो बिलासपुर हुई हुए एक 6 साल के बच्चे के अपहरण के बाद का काम था। पुलिस ने इस पूरे मामले में जिस तरह से काम किया ये जो लाशघर आप देख रहे हैं उसी घर में अपराधियों ने जो है अपहरणकर्ताओं ने 6 साल के मासूम विराट को कैद कर रखा था। करीब 5 दिन तक उसको इसी कमरे में बंद करके रखे थे, खाना भी अंदर बनाते थे। ये जब यहाँ पुलिस पहुंचे वो अंदर ही था, पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम दिया। इस पूरे जो विराट की फौज में लगा हुआ जो पूरा जो अमला था उसका नेतृत्व कर रहे थे बिलासपुर के आईजी प्रदीप गुप्ता। प्रदीप गुप्ता की बड़ी कामयाबी है और यहाँ पर जो एसपी है उनकी भी बड़ी भूमिका, साथ ही आसपास के कई अधिकारियों को इसमें लगाया गया। सलीम खान थानेदार है बिलासपुर के एक थाने में, उन्होंने भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसका इंटरव्यू इसी चैनल पर देखा जा सकता है, पूरा इंटरव्यू देखा जा सकता है। कैसे पुलिस ने पूरे उसको अंजाम दिया और इस तरह से उसको बरामद करने के बाद यहाँ से पुलिस जो है उनको लेकर करके पहुंची और हुआ ये ताता लग गया। बिलासपुर से लोकसभा है वहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी अटल श्रीवास्तव नजर आ रहे हैं, साथ ही उनकी पत्नी है नीता श्रीवास्तव जी, उनके बच्चे को बधाई देने पहुंचे और उनके परिजन है बच्चे के बहुत बड़ी संख्या में आस पास से पहुंचे और तमाम अन्य लोग वहाँ पहुंच रहे हैं। काम बिगाड़ सकती है, नुकसान हो सकता है, क्योर करते हुए पुलिस ने इसको कामयाब बनाई। जो नजर आ रहे हैं यही विराट है, विराट शराफ देखिए राजनीति में ये चीज जरूर रहता है कि हर चीज समय बिकी जाती है कि कौन से समय पे क्या निर्णय लेना चाहिए। जैसे जब धान की जब फसल होती है कि वर्षा होती है तब ही धान उपजाई जाती है, उसी प्रकार राजनीति में जरूर समय का एक महत्व होता है। लेकिन मेरे परिपेक्ष में ये समय का मैंने सोचा नहीं कि भी भाजपा की गवर्नमेंट है, कांग्रेस गवर्नमेंट है। लगातार काफी लंबे समय से मेरे मन में ये चल रहा था कि पार्टी लगातार हमारी उपेक्षा कर रही है, खासकर मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय रेशमलाल जांगड़े जी की लगातार उपेक्षा हो रही है, हमारे अनुसूचित जाति वर्गों की लगातार उपेक्षा हो रही है। तो मैंने निर्णय लिया कि मुझे अब पार्टी छोड़नी चाहिए। हाँ, ये मानता हूँ कि मुझे निर्णय लेने में विलंब हुआ, मैंने काफी विलंब से निर्णय लिया, बल्कि मुझे काफी पहले इस पार्टी को छोड़ देना चाहिए था। तो नई जिसके साथ आप जुड़े क्या उनसे कोई सम्मान को लेकर बात हुई, उनसे क्या सेवा शर्त है आपको, तो बात आपने की? मैं इस पार्टी में कांग्रेस पार्टी में मैं निःशर्त आया हूँ, मैंने कोई सेवा और कोई शर्तें इस पार्टी में मैंने अपने द्वारा नहीं रखी गई, मैं नहीं रखा हूँ। पार्टी जो भी मुझे आदेश देगी, जो भी मुझे कार्य सौंपेगी, उसको मैं निस्वार्थ भावना से करूंगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने पूरा कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिनका देश के योगदान, जिनका देश के निर्माण में, देश के विकास में एक बड़ा योगदान रहा है। चाहे स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें, चाहे आजादी के बाद के वर्षों की बात करें, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी है। लेकिन ये योगदान आपको 2018 की बड़ी विजय के बाद ही क्यों दिखाई दिया, उससे पहले क्यों नहीं दिखाई दे रहा था कांग्रेस का? नहीं, ऐसा नहीं है कि पहले हमें दिखाई नहीं दे रहा था, मैं शुरू से ही इसी को मानता रहा हूँ। इतना ऐसा गुस्सा आपका उपेक्षा रेशमलाल जी की पिछले 1.5 दशक से जी 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 अभी अचानक से क्या हुआ है? अचानक से नहीं हुआ है, मैंने जैसे पहले कहा कि काफी लंबे समय से मैं अपने आप को हीन और ग्रसित महसूस कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में एक आशा भी था और एक विश्वास भी था कि आज नहीं तो कल ये पार्टी मेरे पिता के बारे में, मेरे समाज के बारे में विचार करेगी और एक अच्छा निर्णय और एक अच्छा राजनीतिक अपेक्षा है आपकी कांग्रेस? मेरी कोई अपेक्षा नहीं है, मेरा क्या भूमिका देख रहे हैं, क्या काम देख रहे हैं? देखिए, मैं पहले बताया कि मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जो निस्वार्थ भावना से काम करने वाला और सेवा भावना से काम करने वाला मेरा परिवार रहा है, और उसी भावना से और मेरे पिताजी के जो छोड़े हुए काम है उन्हीं कामों को मैं आगे बढ़ाते हुए निस्वार्थ भावना से मैं काम करूंगा। मेरी कोई सेवा शक्ति नहीं है, ना ही मेरी कोई महत्वाकांक्षा है। पार्टी समय पर जो ही मुझे काम सौंपेगी उससे मैं निस्वार्थ भावना से करूंगा। अभी तो मैं
जब शामिल हुआ कांग्रेस में तो मुझे जानकी लोकसभा क्षेत्र की जवाबदारी दी गई कि आप जानकी लोकसभा क्षेत्र में जाकर के काम करिए, और मैं निश्चित रूप से पार्टी में शामिल होने के दूसरे दिन ही जानकी लोकसभा क्षेत्र के लिए रवाना हो गया था। वहां पर 10-12 दिन तक लगातार मैंने वहां पर सघन जनसंपर्क करके मेरे पिता के समय के काफी लोग मुझे मिले उनके सहयोग से, और सामाजिक रूप से जो मेरे पिता के जमाने के जो लोग थे उनके सबके सहयोग से मैंने वहाँ पर काफी काम किया, और रवि भरदास जी के जिताने के लिए हमने पूरा जीता वहाँ पर लगाया जानकी लोकसभा क्षेत्र। रेशमदास जी का एक जीवन बहुत ही प्रौढ़ है, सोशल लाइफ उनकी बहुत बड़ी है, पारिवारिक जीवन जो है उनका आर्थिक संघर्ष जी रहा है, पहले भी कई बार खबरें आती रही है ऐसी की आपके यहाँ बहुत अच्छा आर्थिक ऐसा आधार नहीं बन पाया है, तो ये कठिनाई नहीं पैदा कर रहा है आपकी आज की? देखिए कठिनाई तो जब पिताजी से तब भी होती थी, मैं आज भी वो दिन को भूला नहीं हूँ जब मेरे पिताजी सवेरे 4 बजे उठ जाया करते थे, बैग में कपड़े जमाते थे और रिक्शा स्टैंड की तरफ वो पैदल ही चल पड़ते थे, और रिक्शा वालों से बात करके वो रिक्शे में बैठ करके कहीं भी हो, बिलासपुर में भी यही स्थिति थी, रायपुर में भी यही स्थिति थी, रिक्शा स्टैंड पे वो पैदल जाते थे, रिक्शे में बैठ करके वो अपने सभी कामों को करते थे, चाहे वो हॉस्पिटल जाना हो, चाहे मुख्यमंत्री से मिलना हो, चाहे मंत्रियों के बगले जाने हो, समाज के काम हो, चाहे कोई भी काम हो, रिक्शे में बैठ करके ही जाते थे या पैदल ही चले जाया करते थे, या जो भी मोटरसाइकिल सवार जो भी मिल जाता था उनके पीछे बैठ करके चले जाया करते थे, उनकी कभी वो हाई प्रोफाइल भी पसंद करते नहीं थे, ना उनको एसी पसंद था, ना उनको कूलर पसंद था, वो तो ऐसे व्यक्ति थे जब वो गांव में जनसंपर्क करते थे और गांव में सेवा भावना से वो काम करते थे, तो वो दौर ऐसा दौर था जब मैंने सुना उनसे कि गांव में गांव के लोग पैरा बिछा देते थे और पैरे में ही वो सो जाया करते थे और चटनी और भात खाकर ही अपने जीवन बिताए और सेवा किए हैं, ऐसे व्यक्ति थे ऋषभ राजा जी, जब वो सांसद थे विधायक थे तब भी वो रेस्ट हाउस और सर्किट हाउस पर रुकना पसंद नहीं करते थे, वो एक सामान्य कार्यकर्ता के रुकना ज्यादा पसंद करते थे, और जो छत्तीसगढ़ और जो उस क्षेत्र की जो भी स्थानीय जो भोजन होता था उसको बड़े चाव से वो खाते थे, और लन थन की चीजों को होटल उन्होंने जीवन में कभी नहीं की कि मैं समोसा खा लूँ कि मिठाई खा लूँ, ये सब उनको कभी रहा भी नहीं, बिल्कुल सिंपल लाइफ वो जीवन जीना पसंद करते थे, समाज से सीधे जनता से सीधा जुड़ाव था, वो हर घर का जानते थे कि किस व्यक्ति का घर कहाँ पर है, कौन से गली में है और घर में क्या पकता है, क्योंकि रेशम लाल जी ने बहुत बड़ी विशेषता थी कि वो शाकाहार के पक्षधर थे, क्योंकि हमारे जो अध्यात्म गुरु बाबा गुरुदास जी उन्होंने हमेशा शाकाहारी भोजन के लिए और सात्विक जीवन के लिए उन्हें हमेशा प्रेरणा दी है समाज के लिए, तो उन्होंने हमेशा उनसे प्रेरणा लेकर के वो स्वयं उन्होंने पूरा जीवन शाकाहारी भोजन का पालन किया शाकाहारी की तरह, और अपने ही नहीं समाज को भी उन्होंने हमेशा प्रेरित किया कि आप लोग शाकाहारी भोजन की परिवार अभी भी मेरा पूरा परिवार आज भी शाकाहारी, मैं स्वयं शाकाहारी हूँ, मेरे जो भाई बहन है मेरी माता जी है मेरा पूरा परिवार आज भी शाकाहारी है, और आप अभी रेशमदास जी पर रिसर्च कर रहे हैं जी 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 जी, उसकी क्या कार्य योजना है, क्या आप समाज को दुनिया को? मैं बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में रेशमलाल जामणे जी जैसे भी एक ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया जिन्होंने निस्वार्थ भावना से और ईमानदारी से इस प्रदेश की सेवा की, हर वर्गों की सेवा की, खासकर ऐसे वर्गों की जो दलित था, जो शोषित था, जो पीड़ित था, जिनको आवश्यकता थी, ऐसे वर्गों के लिए हमेशा उनके मन में एक चिंता और एक दुख मैंने हमेशा देखा है, और इसी वजह से जब वो सांसद थे उस समय भी वो बहुत सारे छात्रावासों का संचालन करते थे, और उस छात्रावासों में गरीब बच्चों को रख करके वो अपने स्वयं के वेतन के पैसे से पढ़ाते थे, ये मैंने देखा है और सुना भी है, तो मैंने हमेशा उनके मन में एक दुख मैंने देखा है, और दूसरी बात इन कभी भी वो गलत बातों को पसंद नहीं करते थे और गलत चीजों का वो खुलकर विरोध करते थे, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे विधानसभा भी हो, वहां भी वो सच्ची बातों को रखने में कभी भी डरते नहीं थे, वो बहुत ही बेबाक थे और सच्चाई के पक्षधर थे, मतलब सच्चाई के साक्षात वो प्रतिमूर्ति थी, झूठ फरे बिल्कुल उनको पसंद नहीं था, कोई भी काम साफ साफ से जुड़ा हुआ डॉक्यूमेंटेशन अगर आप करने जा रहे हैं जी, तो क्या आपकी योजना कितना डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए और छत्तीसगढ़ स्टेट में उनको क्या दिया? छत्तीसगढ़ स्टेट की तरफ से तो अभी कुछ भी नहीं मिला है उनके शासन की तरफ से उनको किसी प्रकार की, मैं अपने शोध के माध्यम से उनके पूरे जीवन को उनके पूरे जीवन के इतिहास को जो भी उन्होंने काम किया है छत्तीसगढ़ के लिए मध्य प्रदेश के लिए वो पूरा मैं जनता के सामने और प्रदेश के सामने लाना चाहता हूँ अपने शोध के माध्यम से, आज की जो पीढ़ी है निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि जामणे जी ने क्या कार्य किया है, लेकिन उन पीढ़ी के बच्चों को भी है मेरे शोध के माध्यम से पता चलेगा कि रेशमलाल जामणे जी कौन थे और उन्होंने समाज के लिए क्या काम किया है, छत्तीसगढ़ के विकास में उनका कितना योगदान रहा है,
ये मेरा मेन उद्देश्य है, नए लोगों को बताना और उनके जीवन से बताने के साथ साथ लोगों को उनके जीवन से प्रेरणा लेने की भी आवश्यकता है कि उस दौर में और आज के दौर में कितना फर्क है। आज हमें रेशम लाल जामड़े जैसे व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। राजनीति सूचिता के साक्षात प्रतिमूर्ति थे रेशम लाल जामड़े जी। आपके व्यक्ति एक बार सरपंच या पार्षद बन जाता है तो दूसरे दिन उनके घर में गाड़ियों की या घरों की लाइन लग जाती है, लेकिन रेशम लाल जैसे व्यक्ति जिन्होंने पूरा जीवन समाज के लिए काम किया, जब वो चूंकि वो पेशे से अधिवक्ता थे, अधिवक्ता होने के बावजूद भी वह किसी भी क्लाइंट से कोई पैसा लेते नहीं थे और उनको उसमें भी उन्होंने सेवा भावना से लोगों को न्याय दिलाने का उन्होंने काम किया। हर क्षेत्र में उन्होंने लोगों के लिए दिशा भरने से उन्होंने काम किया। बातें बहुत घुल मिल जा रही है, अक्सर ऐसा होता भी है देश के अंदर, क्योंकि राजनीति इस तरह की है कि जब भी किसी की विरासत होती है उस विरासत को अगली पीढ़ी अपना राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहती है, अक्सर ऐसा होता है। ये बात आप बता पाने में कितने कामयाब हो रहे हैं, चाहे आपका ये दल हो चाहे वो दल हो, कि मुझे राजनीतिक रूप से कोई चीज नहीं चाहिए, आप तो रेशम लाल जी को सम्मान। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा लेकर के राजनीति नहीं कर रहा हूँ। मेरे पिता ने भी वही सिद्धांत अपनाया था कि निस्वार्थ भावना से जनता की सेवा करो, चाहे पद में रहो या ना रहो। अब उन्होंने इसको करके भी दिखाया, अब मैं भी उनके बताए पद चिन्हों पे चल रहा हूँ और मुझे जो भी जवाबदारी मिलेगी ना मिलेगी मैं जनता से जुड़ा रहूंगा और जनता के सुख दुख में हमेशा काम करूंगा और निस्वार्थ भावना से जो उससे उसके मैं काम करूंगा। कांग्रेस से आपका क्या वो है ऐसा कम्युनिकेशन, किन दो बातों को आपने केंद्र में रखा है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मेरे पिता के राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से हुई थी। स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान था, ये सारा राष्ट्र जानता है, सारा विश्व जानता है, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आपको लगता है कि कांग्रेस उनको सम्मान दे सकती है? मुझे पूरा विश्वास है, सम्मान कांग्रेस ने ही दिया 2012 में, उसमें यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और मीरा कुमार जी लोकसभा की स्पीकर थी, वो स्वयं मेरे निवास तक चल के आई थी और उन्होंने वादा किया कि मैं रेशम लाल जामड़े जी का सम्मान कराऊंगी। तो रेशम लाल जामड़े जी का सम्मान भी अगर किसी ने कराया तो कांग्रेस पार्टी ने कराया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है, विशेष तौर से अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों के लिए इस पार्टी के मन में एक विशेष मैंने कार्य योजना भी देखी है और दिखता भी है, वो चीज ऐसा भी नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उनको अवार्ड भी दिया, कांग्रेस की सरकार में ही हुआ। और आप अगर इतिहास में भी जाए तो चाहे वो राष्ट्रपति का पद हो चाहे लोकसभा स्पीकर का पद हो, दलित वर्गों को देने की शुरुआत तो कांग्रेस पार्टी ने की ना, चाहे वो मीरा कुमार जी। लेकिन ये आज क्यों कह रहे हैं? बात वही फिर आ जाती है कि 2012 में अगर कांग्रेस की सरकार ने उनको सम्मानित किया था तो 6 साल बाद आप कहते मैं लगातार मेरे मन में ही जैसे मैंने कहा मेरे मन में लगातार आक्रोश था कि इस पार्टी में हमारी लगातार अपेक्षा हो रही है, पर कहीं ना कहीं मेरे मन, क्योंकि मैं एक सीधा साधा व्यक्ति हूँ और हम जो व्यक्ति अच्छा होता है वो अच्छा ही सोचता है, क्योंकि मेरे अंदर एक अच्छाई थी कि मैं मेरे पिता की सोच मेरे दिमाग में थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद भारतीय जनता पार्टी आज अच्छा करे कल अच्छा करे और मेरे पिता के बारे में ये पार्टी विचार करेगी और कुछ अच्छा निर्णय लेकर के आने वाले समय को अक्षुण बनाए रखने के लिए मेरे पिता के नाम पे कुछ अच्छा कार्य करेगी, ये उम्मीद लगाकर मैं बैठा हुआ था और मैं देख रहा था कि शायद आज ये पार्टी अच्छा करे। लेकिन समय सीमा बीत जाने के बाद मेरे सब्र का बात टूट गया और मैंने देखा कि अब इस पार्टी में समय जल्दी आप रेशम लाल जी के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर उनकी पर्सनैलिटी को रिकॉग्निशन मिले छत्तीसगढ़ के देश के अंदर जो उन्होंने जिंदगी भर में किया, उसके लिए क्या आप भूपेश बघेल से चीफ मिनिस्टर क्या बात करते हैं? मैं अभी उनसे बात तो नहीं किया हूँ क्योंकि अभी चुनावी व्यवस्था है और चुनाव के बाद मैं निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट करूंगा और अपने पिता के संबंध में उनको मैं अवगत भी कराऊंगा कि मैं उनके जीवन को लेकर के थीसिस कर रहा हूं और प्रदेश के सामने मैं उनके जीवन इतिहास को लाना भी चाहता हूं और शासन से जो भी सहयोग और जैसा भी मिलेगा वो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को हम अवगत कराएंगे और उनसे आग्रह भी करेंगे कि ऐसे धरोहरों को संभाल कर रखना राज्य शासन की जवाबदारी बनती है। अगर कांग्रेस से भी भाजपा कर निराश किया तो नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मुझे ऐसी मैं ऐसी अपेक्षा नहीं करता हूँ कि कांग्रेस ऐसा करेगी, कांग्रेस का इतिहास पड़ा हुआ है ऐसे लोगों का सम्मान। राजनीतिक पद लेंगे भविष्य में अगर नहीं पद की कोई बात ही नहीं है, मैंने पहले ही कहा कि मैं महत्वाकांक्षा लेकर के या पद की लालसा लेकर के कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन नहीं किया हूँ, मैं एक साधारण परिवार का साधारण व्यक्ति हूँ, मेरे पिता ने भी निस्वार्थ भावना से सेवा की जनता की और मैं भी निस्वार्थ भावना से सेवा करने के लिए इस पार्टी में आया हूँ। रेशम लाल जी ने अपने जीवन में एक जातीय समूह की पहचान की बजाय छत्तीसगढ़ की पहचान करी जी, आप इस बात का ख्याल रखेंगे? बिल्कुल, मैं आज जो भी हूँ जो भी कार्य मैं कर रहा हूँ मैंने अपने पिता से ही सीखा है और मैं उनके बताए रास्ते पे आज भी चल रहा हूँ, आगे भी चलूंगा, जो भी मैंने अपने जीवन में उनसे जो सीखा है जो देखा है उसे ही मैं अपने जीवन में आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है जागड़े जी, रेशम लाल जागड़े जी के बेटे हैं।
रेशमलाल जांगड़े जी के बारे में नई पीढ़ी बहुत कम जानती है। दरअसल हुआ ये है कि रेशमलाल जांगड़े जी का पूरा अगर हम 72-73 साल का एक जीवन काल देखते हैं, जो कि 1952 से स्टार्ट होता है राजनीतिक जीवन काल, और वो 89 में भाजपा के सांसद होते हैं बिलासपुर से, इसके अलावा मंत्री और विधायक भी वो होते हैं, और बड़ी एक रेंज में काम कर रहे होते हैं, और छोटे छोटे कामों के जरिए वो समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अच्छी बात ये होती है कि रेशमलाल जांगड़े को अगर हम ये कहें कि वो छत्तीसगढ़ के अम्बेडकर थे, हम ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, और अगर हम ये कहें कि वो छत्तीसगढ़ के काशीराम हैं तो ये भी अतिशयोक्ति नहीं होगा। बस फर्क इतना होगा कि रेशमलाल जांगड़े ने अपने समाज के लिए जो कुछ भी किया उसमें उन्होंने सौम्यता को हमेशा प्राथमिकता से आगे रखा, वो उग्र नहीं हुए। उन्होंने अपनी राजनीतिक विचार के जब आगे बढ़ाया उसको तो उन्होंने कोई जातीय संघर्ष पैदा नहीं किए, जो कि आज की राजनीति में आम है। आप भी देखिए रेशमलाल जांगड़े जी को, यूट्यूब पर सर्च कीजिए, उनके बारे में पढ़िए, जानिए, हमारी धरोहरों को जानना, विरासतों को जानना हम सबका दायित्व है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।